अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हम सालिहा परवीन टीचर UPS स्कूल तांडूर से। तलबा आइए, आज हम आपको जमात दहम से सब्जेक्ट उर्दू यानी कि मजमून उर्दू पढ़ाएंगे, जिसमें सबक नंबर 2 शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। ये हमने तकरीबन पढ़ लिया था, जिसके मुसनिफ़ मुनवराना, हमने इनके बारे में भी तफसीला से जानकारी हासिल की है। अब आइए आगे का हम देखेंगे। आइए आज हम यहाँ दूसरे बंद से पढ़ेंगे। पहला बंद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन मुकम्मिल कर लिया है। मैं आपके सामने ये इबारत खवानी करती हूँ, आप लोग तवज्जो से गौर से समाप्त फरमाएं। कैसा हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। बुढ़िया माँ रोज चौकट पर दिया रोशन करे। गाँव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था, ना हिंदू था ना मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल की। शहर में तो लोग सलाम के मुंतजिर रहते हैं, लोग दूसरों को सलाम करने से गुरेज करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है। सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पर शहर का कैसा हौलनाक अलमिया है, यानी कि एक ट्रेजेडी बोलते हैं अलमिया, यानी कि हादसा, कैसा ये हादसा मेरे साथ हो गया कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। उनकी बुढ़िया माँ है, रोज चौखट पे क्या करे, दिया रोशन करके मेरा बेटा आता बल्कि इंतजार में बैठे। गांव में कैसा रहता माहौल, हर बड़ा छोटे को सलाम करता और हर छोटा बड़े को चाचा कहता है और एक दूसरे को सलाम करते। अगर सलाम ना करे तो डांट खानी पड़ती, अगर सलाम करे तो ढेर सारी दुआएं मिलती। लेकिन शहर में तो इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट माहौल है, यानी कि लोग एक दूसरे के सलाम के मुंतजर रहते, इन्हों करना मैं करना, मैं क्यों करूँ उन्हों करना, ऐसा रहता। लेकिन सलाम में पहल करना बहुत ही बड़ी नेकी है बच्चों, ठीक है ना तलबा। फिर इसमें क्या है, लोग जब दूसरों को सलाम करने से गुरेज करते हैं तो अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को सलाम करने में हितक महसूस करता है। कोई अमीर है लेकिन उम्र में छोटा है, लेकिन गरीब आदमी है वो उम्र में बड़ा है, लेकिन उसको सलाम करने के लिए उनको हतक महसूस हो रही है, कैसा मैं सलाम करूं, मैं तो बहुत पैसे वाला हूं। ऐसा शहरों में होता बोल के बोले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, सलाम करने वाले का सलाम का जवाब भी कैसा मिलता, नौकरों से जवाब की तरह मिलता है बोल के बोल रहे। तो यहाँ पर क्या बोले, तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नजर क्या आता, आरजू हाथ पसारे थी सलामों के तले। यानी कि गर्दन अकड़ के क्या जरूरी है चलना का, क्या है असल, तो आरजू कैसी थी कि सलाम करते बोलके थी बोलके बोले। तो गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर पेश किया जाता था, जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी ग्लास मिलता है। ये फर्क होता है कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौपालियां उदास रहती हैं, तकरीबें मुलतवी हो जाती हैं, तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है। लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है। कांधा भी इसी जनाजे को देते हैं जिसके लोहेखीन से दामे दरमे की कोई फायदा पहुंचाने वाला होता है। तो यहाँ पर तक मैंने आपके सामने रीडिंग इबारत खानी की है। अब इसके आपको मैं तफसीलात से बताऊंगी, खुलासा करके बताऊंगी, यानी कि गांव में कोई जाता है रिश्तेदार मिलने के लिए तो पानी पिलाने से पहले कम से कम मिठाई नहीं तो गुड़ तो जरूर पेश करते, मीठा खाने के लिए पेश करते। तो फिर अब यहाँ पर शहरों में कैसा है, पानी भी 25 पैसे फी ग्लास मिलता, मालूम है आप लोगों को, यानी कि शहरों में पानी 25 पैसे फी ग्लास मिलता है। लोग क्या करते, घर को कोई आया तो पानी पिलाना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन गांव में कैसा रहता, खाने के लिए गुड़ तो पेश करते, मिठाई नहीं तो। गांव में कैसा रहता तलबा, एक बच्चों की मतलब गांव में किसी एक आदमी की मौत हो गई तो पूरा मतलब गांव की मौत समझा जाता है, पूरा गांव ऐसा होता है कि मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव चले जाता भेजने के लिए। हफ्तों तक चौपालियां उदास रहती, यानी कि जहां पर चौरस्ता तक कट्टों पे लोग बैठते करते झाड़ों के नीचे बात कर लेते वो पूरा उदासी का माहौल रहता। तकरीबें नहीं होते, यानी कि दावतें नहीं होती, सब मुलतवी करते, कोई तबस्सुम लबों तक पहुंच कर रास्ता नहीं, कोई मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, कुछ नहीं। लेकिन शहर में कैसा रहता, शरीके गम होना दूर की बात, खांदा भी जनाजे को देते नहीं, कहाँ जाते, जनाजे को कांधा देने के लिए भी ना आते, बाजू पड़ोस में मरते लेकिन ना जाते। लेकिन कैसा, किसके जनाजे को जाते, लोहेखीन जो रहते हैं जिसके दामे दरमे से कोई फायदा पहुंचने वाला था, ऐसे लोगों के, यानी कि उनके बेटों से कुछ काम हो रहा, बहुत बड़ा आदमी है, आगे उनके बच्चों से कुछ काम होने वाला है, उनसे कुछ, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, शहर में जाकर कांधा देते बोलकर बोले। समझ में आ रहा ना गाँव और शहर में फर्क कैसे बताया जा रहा है। यहाँ तक मैंने आपके सामने सबक कमाने की और इसका खुलासा किया। आइए बच्चों, में इसी के साथ आपको आज घर का काम भी देती हूँ। चलिए तलबा, इसी के साथ मैं आपको घर के काम में ये 3 सवाल देती हूँ। सवाल नंबर 1, आपके घर में किसी मेहमान का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है। सवाल नंबर 2, शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाने को मुसन्निफ ने हौलनाक अलमिया कहा है, आप इसका क्या मतलब समझते हैं।
और सवाल नंबर 3, शहरों में तो लोग सलाम के मुंतजर रहते हैं, क्या आप इस बात की तायद करते हैं या मुखालिफत? क्यों? ये 3 सवाल के जवाब आप मुझे लिख कर सेंड कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो मुकम्मल करती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर।